हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह एक वक्त में अपनी फॉर्म की वजह से टीम के कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार माने जाते थे। कुछ समय पहले खुद युवराज सिंह ने इस बात का खुलासा किया था। युवराज अपने आप को कप्तान न बनने की सबसे बड़ी वजह किसी और को नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को मानते हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए खुद युवराज सिंह ने इस बात का खुलासा किया। युवराज ने बताया था कि चैपल विवाद में सचिन का साथ देने के कारण उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी नहीं मिल पाई। बीसीसीआई के कुछ पदाधिकारियों को युवराज सिंह की ये बात पसंद नहीं आई और इसके अलावा उनको उप कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा। युवराज ने कहा, मैं कप्तान बनना चाहता था, फिर ग्रेग चैपल और सचिन तेंदुलकर के बीच विवाद हुआ जिसमें मैंने सचिन का साथ दिया। बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने ऐसा सुना था कि वो किसी को भी कप्तान बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे नहीं। आगे युवराज कहते हैं, 2007 इंग्लैंड दौरे पर वीरेंद्र सहवाग जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे। मैं उस दौरान वनडे टीम का उपकप्तान था और राहुल द्रविड़ कप्तान थे। वनडे टीम का उपकप्तान होने के नाते मुझे लगा था कि मैं कप्तान बनने वाला हूं, लेकिन अचानक मुझे उपकप्तानी से भी हटा दिया गया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अचानक ही महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया गया। युवराज कहते हैं, भले ही कप्तान मैं नहीं बना तो क्या हुआ, अगर आज भी ऐसा होता है तो मैं सीनियर खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता। आपको बता दें, युवराज भारत की 2007 के टी20 वर्ल्ड कप, 2011 के वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे और टीम इंडिया के लिए हीरो बनकर उभरे। युवराज ने अपने करियर में भारत के लिए 304 वनडे मैच में 8,701 रन बनाए और 111 विकेट्स भी उनके नाम हैं।